Bismillahirrahmanirrahim. Let's start exercise 1.6, and that is the second part of this exercise. आप ये जानते हैं कि इससे पहले आपने 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को हम फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई कर चुके हैं. ये सेकंड पार्ट है. यहाँ पे एक माइनर रेक्टिफिकेशन भी हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर हम रेक्टिफाई करेंगे. बुक में दिया हुआ है 1 और 1 के बाद क्वेश्चन 3, 4 और 5. ऑब्वियसली हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन 1 के बाद लिखेंगे 2, फिर 3 एंड 4. इस रेक्टिफिकेशन के बाद अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हमें कहा गया है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें आंसर को लिखना है a प्लस आयोटा b. इस फॉर्म में हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम पहले क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. देखते हैं क्या बनेगा. -1/(1+i) ये तो हमने क्वेश्चन लिखा. अब इसके कॉन्जुगेट के बारे में सोचिए. इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 - i और 1 - i से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. ऐसा करने से स्टेप पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 बचा और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा. इसका मतलब ये इसके इक्वल है. तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. -1 × 1 - i और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 + i × 1 - i. अब आप न्यूमरेटर को ओपन कर लीजिए. क्या बनेगा? माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा -1 और -(-+i) हो गया. लेकिन डिनोमिनेटर को हम दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. या तो आप इसे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कीजिए, इस कंप्लीट ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड देन मल्टीप्लाई दिस होल ब्रैकेट विद आयोटा. यू कैन डू इट. एंड देन द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला डायरेक्टली. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है? a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b² अगर आप चाहें तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और फॉर्मूला यहाँ शो कर देते हैं ताकि पता लगे कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं. क्या होगा? a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b². यहाँ हम फर्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे? 1, और सेकेंड वैल्यू क्या है? आयोटा. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1 + i/(1² - 1) आएगा -i². आप सबको मालूम है कि आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1. तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं. -1 + i/(1), यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस, यहाँ क्या आएगा? -1. ठीक है, आप समझ गए कि हमने ये वैल्यू कहाँ से लिखी. आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं. रेफरेंस क्या है? आयोटा स्क्वायर. सिंस का साइन पिछली बात को याद दिलाने के लिए लगाया जाता है, और ये किसके बराबर है? -1 के बराबर है. इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर. -1 + i/(1+1). 1 + 1 का मतलब क्या है? 2. तो अगर मैं इसे लिखूँ -1 + i/(2), लेकिन अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे और रियल पार्ट सेपरेट करेंगे. 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो आप देखें आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, -1 जो है उसका रियल पार्ट है. तो 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है और 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है. तो हम दोनों को सेपरेट करके कैसे लिखेंगे? -1/(2). ये इसका कौन सा पार्ट बन गया? रियल पार्ट बन गया. फिर इसके बाद लिखेंगे i/(2) भी लिख सकते हैं और 1/(2i) भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही रहेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे किस फॉर्म में लिखा? a + i/(b) फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं. और ये एक आसान सवाल था, लॉजिकल भी था, सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर आ गया. इसके सेकेंड पार्ट को भी अब सिंप्लीफाई करते हैं. क्वेश्चन क्या है? 1 + i/(4). सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें काम ये करेंगे कि 4 पावर का मतलब है, क्योंकि आप स्क्वायर के फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो हम इसे स्क्वायर के हिसाब से ही सिंप्लीफाई करेंगे. हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले तो हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. क्या हम इसे लिख सकते हैं?
1 plus iota whole square और 1 plus iota whole square. बिल्कुल इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है और 2 plus 2 होके 4 बन जाएगा, तो हम इसे ब्रेक करके भी ऐसे लिख सकते हैं. लिखने के बाद आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला क्या है, a plus b whole square, जो किसके बराबर है, a square plus 2ab plus b square. तो हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, a square, फिर क्या लिखेंगे, 2ab plus b square. अब आप देखें यहाँ क्या आएगा, a square यानी 1 और यहाँ a और यहाँ b और यहाँ भी क्या जाएगा b, जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने पुट कर दी. एंड एग्जैक्टली ये भी बिल्कुल सेम स्टेप है, तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं. ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ. लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था सो इट्स नेसेसरी टू मैंशन इट. क्या मैंशन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा यानी 2 टाइम 1 इज 2 और आयोटा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर. ये लिखने के बाद इसे देखते हैं ये क्या बनेगा, ये है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस वन, लिखेंगे वन प्लस टू आयोटा माइनस वन और यहाँ भी क्या लिखेंगे वन प्लस टू आयोटा माइनस वन और मेंशन करेंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है. अब आप देखें ये प्लस वन और माइनस वन आपस में कैंसिल और ये प्लस वन और माइनस वन आपस में कैंसिल, क्या बचा 2 आयोटा और यहाँ भी क्या बचा 2 आयोटा. 2 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 इज 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. अगर ये आयोटा स्क्वायर में आ गया तो अब आप देखें कि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन. दोबारा शो कर लेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, माइनस वन के. अब आप देखें तो ये आ गया माइनस फोर, यानी इसका रियल पार्ट तो हमें मिल गया, क्या शो करना है, ए प्लस आयोटा बी, लेकिन सेकेंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम क्या लिखेंगे प्लस जीरो आयोटा, खुद से इसे ऐड कर देंगे ताकि ये कंप्लीट ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आ जाए. और यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है. आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स आसानी से समझ आ गए होंगे. इसके बाद मज़ीद दो पार्ट्स और हैं, उन्हें भी सिंप्लीफाई करते हैं. पार्ट थ्री को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे. क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद, 2 माइनस 6 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा और फिर इसके बाद आ जाएगा 3 प्लस आयोटा. हमने क्या करना है, जब यहाँ माइनस हो रहा है तो फ्रैक्शन में माइनस होने पे हम एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने का मेथड आप सीख चुके हैं लेकिन मैं रिपीट करवा देता हूँ. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाता है एलसीएम, 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा. अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर ये जो एलसीएम है इसे इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो आप देखें 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस आयोटा. 3 प्लस आयोटा को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस आयोटा. फिर इसके बाद किस चीज़ का साइन है, माइनस का. माइनस के साइन के बाद अब आप देखें ये एलसीएम है, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें, 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल, क्या बचा 3 माइनस आयोटा. 3 माइनस आयोटा को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 4 प्लस आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं,
फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्टेप्स थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यानी पहले 2 से इसे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस आएगा 2 आयोटा। अब माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। 6 × 3 = 18 और फिर क्या लिखा जाएगा आयोटा, फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता तो हम डायरेक्ट ओपन कर लेते। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 आयोटा, 4 × 3 = 12 और यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा। प्लस आयोटा से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला शो भी करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर की ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं, और ओपन करके साथ साथ साइन भी एडजस्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 18 में से अगर हम 2 माइनस करें तो, या 2 में से 18 माइनस करें तो -16 आयोटा आएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट प्लस माइनस के हवाले से क्लियर नहीं है, आप लिखें 2 − 18 तो आप देखेंगे कि -16 आएगा। फिर क्या लिखेंगे -6 आयोटा और यहाँ होल स्क्वायर लिखा, फिर लिखेंगे माइनस, माइनस से ओपन करें प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन अभी चेंज नहीं करते, पहले देखते हैं -4 आयोटा +3 आयोटा, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। अब ये माइनस है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब डिनोमिनेटर में क्या है, ये है 3² 9 और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है आप उस जगह पे -1 पुट कर सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो या आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले इसे सिंप्लीफाई किया, ऐड किया लाइक टर्म्स को जो आपस में ऐड हो रही हैं और इसे कर लिया और फिर बाद में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया। जिस तरीके से भी सिंप्लीफाई करें बात एक ही है, तो हम पहले एक काम करते हैं कि लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। हम आगे चलते हैं, आपको मालूम है कि लाइक टर्म्स जो हैं वो सेम वेरिएबल्स रखती हैं या वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट नंबर है 6, इसकी लाइक टर्म है -12 तो ये आपस में लाइक टर्म्स हो गए। हम क्या कहेंगे 6 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो -6 आंसर आएगा। फिर इसके बाद है -16 आयोटा और फिर प्लस आयोटा, 1 में से 16 माइनस करेंगे तो -15 और क्या आएगा आयोटा। फिर इसके बाद दिया हुआ है -6 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो -5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी पुट नहीं करें, एक साथ पुट कर लेंगे। अब देखें यहाँ तक सिंप्लीफाई होने के बाद अब आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर दो जगह पे मौजूद है, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 है उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या स्टेप बनेगा। -6 -15 आयोटा और फिर क्या जाएगा -5 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे हम शो भी कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है -1 के बराबर है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, यहाँ क्या हो जाएगा -6 -15 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 1 = 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं,
प्लस सिक्स माइनस सिक्स और प्लस फाइव, तो फाइव में से आप सिक्स माइनस करेंगे माइनस वन बचेगा, माइनस फिफ्टीन आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा और ये हो जाएगा टेन। अब हम इसका रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, तो इसका मतलब माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन, फिर माइनस फिफ्टीन आयोटा डिवाइडेड बाई टेन, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट बनेगा। ये क्या स्टेप बना, माइनस वन अपॉन टेन, फिर लिखें प्लस ब्रैकेट में लिख लें माइनस फिफ्टीन अपॉन टेन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे आयोटा, आयोटा बाहर लिखना चाहें या अंदर, दोनों सही हैं। अब आप देखें कि यहाँ कैंसिलेशन भी हो रही है, तो कैंसिलेशन भी कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन टेन प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस थ्री, फाइव के टेबल से कैंसिल करेंगे, फाइव टाइम्स थ्री इज फिफ्टीन एंड फाइव टाइम टू इज टेन, और ये हो गया आयोटा। अब हमने इसी फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना था, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी आसान है और आपको आई होप सही तरीके से ये समझ आ चुका हो। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर, क्वेश्चन टू। क्या दिया हुआ है, वन अपॉन टू प्लस थ्री आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखें मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा टू, और ये टू आयोटा, थ्री आयोटा से करेंगे तो थ्री आयोटा और थ्री आयोटा स्क्वायर। आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और थ्री आयोटा और टू आयोटा फाइव आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो टू माइनस थ्री माइनस वन आएगा, फाइव आयोटा लिखा। अब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा फाइव आयोटा प्लस वन, तो हमने लिख दिया फाइव आयोटा प्लस वन और फाइव आयोटा प्लस वन, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे आप देखें कि स्टेप क्या बन गया, अब ये स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन करते हुए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर किया, ये 25 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के, यहाँ माइनस वन लिखा, 25 को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25, ये हो गया माइनस 26। अब हमने इसका रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 26, और ये भी प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 अपॉन 26 आयोटा, तो ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, इसके बाद जो मज़ीद दो क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं वो इंशाल्लाह हम पार्ट थ्री में सिंप्लीफाई करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।